एक ब्रह्मांड में और केवल इन तीन लोकों पर, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक पर, एक एक विभागीय प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब इनकी स्थिति से आप परिचित हो जाओगे। और ये ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड हैं काल के, 20 में तो ये ऐसी रचनाएं हैं और 21 में हमें इसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। अब देखिएगा, ये आएगा आपके पूरा समझ में। अब ये है 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड हैं ब्रह्म सरपुरुष के, सरपुरुष जिसे कहते हैं 21 ब्रह्मांड, ये क्षेत्र समझो, ये है बस। और ये है बाहर, ये 7 सब ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, जिसे परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 सब ब्रह्मांड है अक्षर पुरुष के, ये 7 संग। और ये देखिएगा पूर्ण परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। अब इस पूर्ण परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांडों की तुलना में, अब ये काल का लोक, ये 21 ब्रह्मांड तो एक बिल के समान है, बहुत छोटा सा क्षेत्र हो जाता है इसकी तुलना। और इस 21 ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड के केवल 3 लोकों में रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्र हैं, मंत्री हैं, इतने स्वामी हैं। यहाँ पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इनकी अलग अलग राजधानी है, केवल इन पर ये कंट्रोलर है। और ये ऐसे, ये पूरा ब्रह्मांड और भी बहुत शेष है जो काल स्वयं कंट्रोल करता है। और ऐसे ऐसे ये 21 ब्रह्मांड है काल के, और इन ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, सरपुरुष के, ये 7 संग ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के, और ये असंग ब्रह्मांड इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष समेत सबके ऊपर कंट्रोलर है। ये परम अक्षर ब्रह्म के असंग ब्रह्मांड है, ये वो कुल का मालिक है। अपने आत्माओं, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए है, और हम अपने रोजगार पेट के लिए अपने बच्चों को लगभग 16 वर्ष पढ़ाते हैं और उनको ढेर सारे सब्जेक्ट याद कराए जाते हैं, और उनका कितना लाभ है 2 रोटी के लिए, वो भी कितना प्राप्त हो, रोजगार तो हो ना तो ना भी हो। और अब हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़नी चाहिए, ये ज्ञान यज्ञ हो रही है, इस ज्ञान यज्ञ का पुण्य भी आपको प्राप्त हो रहा है, श्रोता को भी और वक्ता को भी। और ज्ञान से फिर आपको वो वास्तविक लाभ मिलेगा जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान यज्ञ से सभी ये कर्म समाप्त हो जाएंगे, तेरी शंका का नाश हो जाएगा, और फिर भक्ति करण में आनंद आएगा, उसका कुछ सुचारू रूप बनेगा। अब हम आते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में, ये देखिएगा, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय, ये 16वां श्लोक, दिवौ इमौ, द्वौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषो माने प्रभु स्वामी है। कौन इस संसार में? पृथ्वी वाले लोग, काल ब्रह्म सरपुरुष के और अक्षर पुरुष के, सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड, ये एक पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है। इस लोक में 2 पुरुष हैं, पुरुष माने प्रभु है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, एक सर अक्षर है चय एवं सरय सर्वाणी भूतानी, यानी इनके दोनों के लोकों में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सभी प्राणियों के सथूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी कही जाती है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़ेंगे 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस संसार में नाशवान और अविनाशी
और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। और सभी प्राणियों के शरीर नाशवान हैं, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब देखो, सर्वपुरुष कहो या इसको अक्षर पुरुष भी कह सकते, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो हैं, ये दो प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इसको हम यहां भी लगा सकते हैं। और ये दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी ये तो नाशवान है, और जीवात्मा तो वैसे ऑटोमेटिकली अविनाशी कहा जाता है। अब 17वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया। उत्तम पुरुष है तू अन्य है, यानी श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वास्तव में जो श्रेष्ठ प्रभु है वो तो अन्य है, इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, उत्तम पुरुष है, वो पुरुष तो और ही है जो सही है, श्रेष्ठ है। और परमात्मा इति उदारत है, जिसको भगवान यानी परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा कहा जाता है। यह लोकतरण आविश्य विभर्ति अव्यश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अविनी के शब्दों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो पुरुषोत्तम यानी सही भगवान श्री परमेश्वर तो कोई और ही है, इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, सर और अक्षर पुरुष से वो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी जो मूल रूपी परमात्मा है, ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। और यहां देखिएगा, यहां विचलित कर देंगे आपको कि गीता ज्ञान दाता अपने बारे में भी तो कह रहा है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोके वेदे लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब यहां ये क्या कहना चाहता है पुण्यात्मा, देखिएगा। कि मुझे तो लोक वेद के आधार से, मुझे लोक वेद, लोके वेदे, लोक वेद कौन सा होता, दंत कथा, एक हियर से स्टोरी, मुझे तो दंत कथा लोक वेद के आधार से, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि जितने मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनसे मैं तगड़ा हूं, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं उत्तम उभरा हुआ हूं, मजबूत हूं, ताकतवर हूं, और इसलिए मुझे मेरे अंतर्गत जितनी प्राणी स्थूल शरीर में है या जीवात्मा है उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन पुरुषोत्तम तक कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पुण्यात्मा वही परमेश्वर है जो परम अक्षर परम है, वो कौन है, वो कबीर देव है जो सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं से मिलता है, उनको फिर वो ज्ञान समझाता है, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उनको बताता है, फिर वो संत उस परमेश्वर की महिमा को सुनाते हैं। अब वो पूर्ण परमात्मा वही हमारी आयु को बढ़ा सकता है, वही हमें हमारी मृत्यु हो जाती है काल से दूतों से छुटवा कर वापस ला सकता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अब क्या बताया है, अब ये आत्मा परमात्मा से परिचित हो जाने के उपरांत फिर ये कहती है परमात्मा, क्योंकि काल ने
हम सभी आत्माओं के साथ इस मन को जोड़ दिया। इस मन को इनके साथ लगा दिया और ये मन तत्व ज्ञान को स्वीकार करना नहीं चाहता और बकवाद कितनी करवा लेते हैं। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे परमेश्वर की वाणी में आया है, मासा घटे न तेल बधे विदना लिखे जो लेख है, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। के पूर्ण परमात्मा पूर्ण सतगुरु जो कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे या फिर अपने किसी दास को अपनी पावर दे देते हैं, तो उससे फिर हमें वो लाभ प्राप्त होता है जो पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है। मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू। अब इस मन के आधार से ही, मन के अनुसार चलकर ऋषि महर्षियों ने वेदों को गीता को पढ़ा पर समझ नहीं सके। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु सरना लीजे जो मेटे जम तलवाने नू। मत दे दी है बाल याने नू, मत दे दी है बाल याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। मत जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुलमाने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुलमाने नू, ज्ञान करा छे ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू,